सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड मी, दैट साइड यू. एंड यही चाहिए मुझे इस वीडियो में. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और इस टेक्स्ट को पहली बार समझ रहे हो, सो आई विल से कि एक तो हेडफोन्स लगा लेना, और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग, दैट इज कि इस वीडियो को सुबह 1 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ही देखना. उसके बाद मत देखना अगर आपके पास एग्जाम का प्रेशर ना हो तो. मतलब अगर एग्जाम का प्रेशर है तो आप देखो इसको, बट अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो मत देखना. 1 से 8 के बीच में ही देखना सिर्फ, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमा इफ यू फील. मैंने ये फील किया तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया. सो लेट्स बिगिन विद दिस टेक्स्ट. और इसको मैं आपको दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. फर्स्ट इज अ रेडियो इज प्लेइंग, आई डोंट नोटिस इट एट फर्स्ट. तो पहला तो आपका टेक्स्ट है, दैट इज द रेप. ये रेप के ऊपर है. रेप कई लोगों को लगता है ये हो सकता है कुछ और रेप के बेसिस पे हो, ऐसा कुछ अलग हो. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ रेप. ये एक रेप की स्टोरी है, एक रेप के विक्टिम के बारे में है. और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या फील किया व्हेन शी वाज गेटिंग रेप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेंस. एंड देन वी हैव इसकी जो राइटर है, दैट इज फ्रेंका रेम. एंड इनका जो ट्रांसलेशन जो आपके सिलेबस में आ रही है, दैट इज गिलेना समथिंग लाइक दैट, हना. सो उनका ये नाम है. सो लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. बट उससे पहले मैं आपको एक फ्रेंका रेम के बारे में कुछ बता दूं थोड़ा सा. दैट इज की फ्रेंका रेम जो है वो डिस्क्राइब करती है वुमेन्स के एक्सपीरियंस को ऑफ बींग सेक्सुअली असोल्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन. इन द मोनोलॉग जो वुमेन है इज अ फ्रोजन विद फियर. मतलब कि जो इस पूरे मोनोलॉग, इस पूरी स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो वुमेन है वो फ्रोजन है विद फियर, एंड वो अनेबल कर रही है, मतलब कि वो रजिस्ट नहीं कर पा रही है और वो एस्केप नहीं कर पा रही है जो उनके साथ असॉल्ट हो रहा है वो. मतलब इसमें बताया गया कि जब एक वुमेन के साथ रेप हो रहा है और तब वो क्या नोटिस करती हैं, उनको क्या चीज़ें फील होती है, क्या चीज़ें उन्हें अजीब लगती है. मतलब आपको कई चीज़ें ऐसी लगेगी कि इशी वॉज गेटिंग रेप्ड और इशी वॉज गेटिंग प्लेजर. तो आपको कई बार ये चीज़ महसूस हो सकती है जो कि मुझे महसूस हुई. मे बी हो सकता है आपको हो, मे बी हो सकता है आपको ना हो. सो लेट्स विल मी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नाउ. एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट्स में जरूर बताना एट द एंड कि आपको कैसी वीडियो लगी. सो फर्स्ट वी हैव इज अ रेडियो इज प्लेइंग, आई डोंट नोटिस इट एट फर्स्ट. सो एक रेडियो प्ले हो रहा है पर मैंने नोटिस नहीं किया. दैट इज द वुमेन इज सेइंग कि रेडियो प्ले हो रहा है और मैंने नोटिस नहीं किया. सो जो मोनोलॉग है वो बिगिन होता है विद द वुमेन जो कि डिस्क्राइब कर रही है अपने सराउंडिंग्स को. मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है. इट टेक्स अ वाइल टू सिंक इन समवन सिंगिंग, यस अ रेडियो, पॉप म्यूजिक, लव, मून, जून, स्टार्स, अबव लव. सो वी हैव हियर इज कि एक जो रेडियो प्ले हो रहा है एंड जो वुमेन है वो बिगिन करती है कि उनको रियलाइज होता है दैट देयर इज अ म्यूजिक जो कि एक रेडियो पे प्ले हो रहा है. और म्यूजिक का एक टाइप का जनर हम कह सकते हैं, एक किस टाइप का म्यूजिक बज रहा है वो चीज हमारे को बताई गई है. आई हैव गॉट समवन्स नी, जस्ट वन नी. मतलब मुझे एकदम में किसी की नी दिखी, मतलब दिखी मतलब इन द सेंस की फील हुई. जस्ट वन नी, पर सिर्फ एक ही. प्लांटेड इन माय बैक एज इफ द पर्सन बिहाइंड मी इज नीलिंग ऑन द फ्लोर. He is holding my hands with his twisting them tightly back. My left hand especially. So now, अगर आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या फील किया, so that is कि वो कहती है कि मतलब मेरे को किसी की नी फील हो रही है. एंड जो वुमेन है वो डिस्क्राइब करती है कि क्या मतलब हाउ शी इज बींग रिस्ट्रेंड बाय वन ऑफ द मेन, कि मतलब उनको कैसे रोका जा रहा है टू मे बी मूव और टू मे बी मतलब कुछ वो ऑब्जेक्शन करे किसी चीज से, तो उस चीज से उन्हें रोका जा रहा है कि मतलब वो किसी चीज का ऑब्जेक्शन वगैरह ना कर पाए. आई डोंट नो वाई आई फाइंड माई सेल्फ थिंकिंग डेट मे बी ही इज लेफ्ट हैंडेड. मतलब सोचा इस पोजिशन में, इस जगह पे आकर शी इज फीलिंग कि हो सकता है वो लेफ्ट हैंडेड हो, इसलिए उसने मेरा लेफ्ट हैंड को ज्यादा मतलब टाइटली पकड़ रखा है. एंड जस्ट थिंक कि एक रेप हो रहा है किसी वुमन के साथ एंड शी डजंट नो कि वो कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें, बट शी इज थिंकिंग कि ही मे बी ही इज अ लेफ्ट हैंडेड एंड इसलिए उसने मेरे लेफ्ट हैंड को ज़्यादा टाइटली पकड़ा है एज कम्पेयर टू उसने मेरे राइट हैंड को नहीं पकड़ा है, राइट हैंड को एक ग्रिप या पकड़ा नहीं है. डैट इज द मेन थिंग. आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट माई ग्रिप ऑन व्हाट्स हैपनिंग टू मी. सो बिकॉज एक टाइम आपको पता है लाइफ में, एक टाइम ऐसे आपको लगता है डैट यू कॉन्ट डू एनी थिंग एट दैट सिचुएशन. आपका कोई इसमें रोल नहीं है या आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज द सेम शी इज फीलिंग और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज फीलिंग. शी इज ऑल्सो फीलिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है कि अब मैं इसके आगे कुछ रेजिस्ट भी नहीं कर सकती हूँ और मे बी कुछ उल्टा पलटवार भी नहीं कर सकती हूँ. आई एम सो टेरिफाइड. सो शी इज टेरिफाइड मतलब कि उनको डर लग रहा है. आई एम सो टेरिफाइड डेट आई फील कि जो उनको फील हो रहा है. आई एम अबाउट टू लूज माई माइंड, माई वॉइस आई कैन स्पीक.
सो उनको लग रहा है कि मतलब मैं धीरे धीरे अपना दिमाग बोलती जा रही हूँ, मतलब उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही। एट द एंड आपको स्टोरी में दिखेगा अभी कि वो लाइफ में मतलब उनके साथ क्या हुआ इस समय पर्टिकुलर, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बहुत सारी चीजें भूल गई थी। एंड वो कुछ चीजों हम कह सकते हैं कि उन्होंने अवॉइड भी किया, जो कि हम स्टोरी के एंड में देखेंगे। आई कैन स्पीक। और पता है कई बार ये होता है, जब भी आपको कई बार सपने में भी आपने देखा होगा, सपना बहुत बार लोगों को ऐसे आते हैं, लाइक कि जब आपके लाइक मैं कोई एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई आपके घर में चोरी हो रही है, आपको सपना आ रहा है, मतलब रियल में नहीं हो रही है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट हाँ मतलब आपको लगता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बट आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये सपना बहुत लोगों ने देखा होगा, मे बी किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज मे बी आई हैव सीन बहुत पहले कभी, बट या आई हैव सीन दिस सपना, सपना कहने में ड्रीम, तो इसको मैंने देखा हुआ है। एंड आई फील कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो, बट यू कांट इवन स्पीक, तुम्हारे मतलब गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। ओनली इनक्रेडिबली स्लोली डू आई रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब जो है इनक्रेडिबली मतलब उनको अब रियलाइज स्लोली धीरे धीरे जो है उन्हें अभी रियलाइज भी नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, मतलब उनको कई बार जो है रियलाइज हो रही है चीजें, कई बार उन्हें रियलाइज नहीं हो रही है, एंड कई बार उन्हें रियलाइज हो रही है तो वो उसे किसी और चीज में कॉम्प्रिहेंड कर देती हैं, मतलब लाइक मे बी ही इज अ लेफ्ट हैंडेड और मे बी उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तो ये सब चीजें आपको दिखाई गई है। देन यू हैव ओ गॉड माय हेड इज स्पिनिंग, तब उनको लगता है कि मतलब मेरा दिमाग मतलब जैसे घूम रहा है, हम कहते हैं ना मेरा दिमाग घूम रहा है इसमें, तो लाइक माय हेड इज स्पिनिंग। हाउ डिड आई एंड अप इन दिस वैन। अब उनको हमारे को बताया गया कि शी इज इन अ वैन, मतलब कि जैसे कई बार होता है इफ आई डोंट रिमेंबर दिस, निर्भया केस तो नहीं, बट ऐसे बहुत रेप केसेस होते हैं जिसमें जैसे वुमेन्स अगर साइड में रोड क्रॉस कर रही है, रोड पे जा रही है साइड में, एंड एक जैसे अपने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा होगा कि एकदम ही वुमेन को पकड़ा और एकदम पुश कर देते हैं इन अ वैन, एंड देन शी द वुमेन गेट रेप्ड और समथिंग लाइक दैट। सो How do I end up in this van? And she is not able to understand कि हमको इस van में वो कैसे पहुंची? Did they push me? मतलब वो सोच रही कि क्या उन लोगों ने मुझे push किया? या फिर मैं अपने पे चढ़ गई? Did I climb in myself? मतलब कि उनको वो अपने पे चढ़ गए, मतलब उनको होश नहीं था इतना कि वो अपने चढ़ गए उस van में। और did they lift me up? और क्या उन्होंने उठा के या फिर क्या उन्होंने मुझे अंदर फेंका? And throw me in? तो क्या उन्होंने अंदर फेंका? I don't know। अब वो ये नहीं उनको याद आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या? She don't know कि उनके साथ हो क्या रहा या फिर उनके साथ क्या हुआ। Then I have this, I can't think of racing of my heart, pounding against my ribs, and the pain in my left hand, which is becoming unbearable. So अब वो समझ नहीं पा रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो रहा है, रेसिंग ऑफ माई हार्ट, मतलब उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है। शी इज थिंकिंग सो मच, उनकी हार्ट बीट तेज है और वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। पाउंडिंग अगेंस्ट माई रिप्स, मतलब कि आई थिंक इसका जो मतलब मेरे हिसाब से निकला, डेट इज कि रिप्स के बाहर मेरा हार्ट जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इतनी तेज पंप कर रहा है वो। एंड द पेन इन माई लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड में पेन क्यों हो रहा है? बिकॉज द ग्रिप ऑफ द लाइक मैन जिन्होंने उनका हैंड होल्ड कर रखा है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा अनबियरेबल है। देन यू हैव दिस, व्हाई आर दे ट्विस्टिंग माई आर्म्स सो हार्ड, वो मेरे आर्म्स को इतना ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? आई मेक नो अटेम्प्ट टू मूव, तब इसमें हमारे को एक और मतलब एक सरकाज़म टाइप दिखाया गया, आई मेक नो अटेम्प्ट टू मूव, कि मतलब मैं तो मूव करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, सो व्हाई दे आर ट्विस्टिंग माई हैंड सो मच, या फिर इतना हार्ड क्यों ट्विस्ट कर रहे हैं? आई एम फ्रोजन रिजिड, और मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, मतलब मैं तो कुछ कहते हैं ना एक रिएक्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ अगेंस्ट में नहीं हूँ। दैट इज द थिंग, नाउ द वन बिहाइंड मी हैजंट गॉट हिज नी इन माई बैग एनी मोर, तो अब जो जिसके नी थी मतलब मेरे बैग पर, तो अब उसने अपनी नी वहाँ से मे बी हटा लिया या फिर जो भी है, ही इज गॉट हिमसेल्फ इन टू अ बेटर पोजिशन, अब उसकी एक अच्छी पोजिशन है, पोजिशन मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड, कि उसने अपनी कह सकते एक रेप वाली पोजिशन ले लिया, टू गेट द वुमेन रेप्ड समथिंग लाइक दैट। ही इज सिटिंग डाउन एंड ही इज गॉट मी हेल्ड फ्रॉम बिहाइंड, और उसने मुझे अच्छे से टाइटली पकड़ लिया है बिटवीन हिज लेग्स लाइक दे यूज टू डू व्हेन दे टुक चाइल्ड्स टॉन्सिल्स आउट। चाइल्ड के अगर आपने कभी बच्चे के देखे हो टॉन्सिल्स को कैसे निकाला जाता है, टॉन्सिल्स इस टाइप ऑफ कहते हैं जीभ के पीछे, मुझे नहीं पता सही में मैं आपको बताऊँ तो, बट मैंने देखा है कि टॉन्सिल्स को निकाला जाता है छोटे बच्चे के, अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप जान मतलब यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि चिल्ड्रंस टॉन्सिल्स अगर घर में, बट वो टाइप ऑफ कहते हैं कि एक टाइप के छाले या कुछ पत्थर वगैरह टाइप फंस जाते हैं वाइट कलर के, एंड उन्हें निकालते हैं समथिंग डेंटिस्ट वगैरह डॉक्टर्स वगैरह। दैट्स द इमेज दैट कम्स टू माइंड, तो मतलब कि उनके माइंड में क्या आ रही है सेम इमेज की, मतलब उनको एकदम ऐसे होल्ड कर लिया गया है कि मतलब अब वो चाइल्ड हिल नहीं सकता, अब वो चाइल्ड मूवमेंट नहीं कर सकता, अब वो चाइल्ड रिएक्ट नहीं कर सकता, अगर वो कुछ भी रिएक्ट करेगा कुछ भी गलत करेगा तो उसके साथ और ज़्यादा गलत हो सकता है। वाई आर दे होल्डिंग मी सो टाइटली, आई डोंट मूव, आई डोंट स्क्रीम, माई वॉइस इज गॉन, सो उन्होंने मैंने इतनी टाइटली क्यों पकड़ रखा है, मैं तो मूव भी नहीं कर रही, मैं तो चिल्ला भी नहीं रही, मेरी तो वॉइस भी चली गई है। वॉइस मैंने आपको बताया कि कई बार आप शांत हो जाते हो इतना ज़्यादा
डर में आपको आवाज नहीं निकलती, दैट इज द मेन थिंग। आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट माई ग्रिप ऑन व्हाट्स हैपनिंग टू मी, और मेरी जो ग्रिप है वो कम्प्लीटली लॉस हो चुकी है। मतलब मैं जैसे कहते ना एक पकड़ है मेरी, वो लॉस्ट हो चुकी है, और अब मैं जो है किसी भी पर्सन को पर्टिकुलरली नहीं रोक सकती हूँ। दैट इज द मेन थिंग, मतलब शी इज गेटिंग रेप्ड एंड शी कांट एबल टू मतलब सेव हर सेल्फ, सेव नहीं कर पा रही हूँ अपने आपको। दैट इज द मेन थिंग। द रेडियो इज प्लेइंग, अब वो फिर से रेडियो के पे आ गई। मतलब सोचो एक तरफ उनके पास रेप हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज कि शी इज नोटिसिंग इज द रेडियो, कि रेडियो जो प्लेइंग प्ले हो रहा है नॉट पर्टिकुलरली लाउड, और वो इतने तेज है उसकी आवाज़ नहीं है। व्हाई म्यूजिक, व्हाई हैव दे टर्न्ड इट डाउन नाउ, मे बी इट्स बिकॉज आई एम नॉट स्क्रीमिंग। सो देखो अब इससे आपको ना बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज व्हाई म्यूजिक, मतलब उन्होंने म्यूजिक क्यों चला रखा है, मे बी दिस इज द रीजन फॉर दिस वर्ड। Why have they turned it down now? मतलब उन्होंने आवाज कम क्यों कर दी म्यूजिक की? Maybe it's because I'm not screaming. क्योंकि पहले मैं चिल्ला रही थी, पहले मैं उस चीज के पर्टिकुलर कहते हैं ना वायलेंस के खिलाफ लड़ रही थी, वायलेंस के खिलाफ मैंने कहते हैं मैं अपनी आवाज तो निकाल रही थी, बट नाउ आई एम साइलेंस, आई एम नॉट मूविंग, आई एम नॉट स्क्रीमिंग, एंड मेरी जो वॉइस है वो भी जा चुकी है। तो इसलिए उन्होंने म्यूजिक भी कम कर दिया ताकि लोगों को अब तो पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज पहले वो म्यूजिक तेज था तो लोगों को लगता कि म्यूजिक बज रहा है, तो इसलिए पता नहीं चलता लोगों को। अब इवन शी इज नॉट रिएक्टिंग, तो इसलिए उन्होंने म्यूजिक और कम कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब लोगों को वैसे भी नहीं पता चलेगा। मतलब एक टाइप से कहते हैं कई बार आपको सेफ्टी रखनी होती है, एंड मैन इज ऑल्सो कीपिंग हर देयर सेफ्टी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते पकड़े जाए इस चीज में। इन एडिशन टू द वन होल्डिंग मी देयर इज अनदर थ्री, मतलब कि एक तो मुझे जो होल्ड कर रहा है एंड वहाँ पे उसके अलावा भी तीन और है। आई लुक एट देम, देयर इज नॉट मच लाइट, मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा लाइट वगैरह नहीं है, नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस इधर, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा स्पेस भी नहीं है। मे बी डैट्स व्हाई दे आर गॉट मी हाफ सिटिंग अप, मतलब उन्होंने उनको ऐसे पोजीशन में बिठाया हुआ है कि शी इज हाफ सिटिंग, मतलब हाफ सिटिंग इज लाइक आप लेटे नहीं हो, आप बैठे नहीं हो, बट इज लाइक कि आप उस बीच वाली सिचुएशन में, लाइक अगर हम एक डिग्री की बात नहीं करते, एंगल वगैरह की बात करते हैं, तो यू आर लाइक इन अ बीच वाली पोजिशन में, ना आप बैठे हो और ना आप लेटे हो, उस आप बीच वाली सिचुएशन में हो। दे सीम काम, वेरी श्योर ऑफ देमसेल्फ, इस लाइन का ना बहुत बड़ा मीनिंग है, दैट इज दे सीम काम, मतलब वो शांत दिख रहे हैं, वेरी श्योर ऑफ देमसेल्फ, कि मतलब उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है दैट वट दे आर डूइंग इज वेरी गुड, मतलब क्योंकि वो अब रिएक्ट नहीं कर रही है, उनको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, एंड उसमें रिएक्शन भी कोई नहीं है उस पर्टिकुलर वुमेन का। वट आर दे डूइंग, दे आर लाइटिंग अ सीक्रेट, मतलब सोचो वो यहाँ पर इस टाइम पे व्हेन दे आर गेट शी इज गेटिंग रेप, दीज मेन आर गेटिंग देयर सिगरेट लाइटिंग, अब शी इज थिंग्स इट, मतलब वो अब क्या सोच रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन स्मोकिंग एट अ टाइम लाइक दिस, मतलब अब सोचो ना एक टाइम पे तुम रेप करते हो, दूसरे टाइम में तुम स्मोकिंग कर रहे हो, व्हाई आर दे होल्डिंग मी लाइक दिस एंड स्मोकिंग, मतलब कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों पकड़ कर मुझे मतलब वो ऐसे उन्होंने मुझे क्यों पकड़ रखा है, एंड व्हाई आर दे स्मोकिंग, मतलब वो स्मोक क्यों कर रहे हैं। Something is about to happen, मतलब कि कुछ चीज़ें जो है अभी होने वाली है, लाइक कुछ चीज़ें हो सकता है, कुछ नई चीज़ हो जो कि होती भी है। आई सेंस इट, आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड अनदर, अब वो बहुत जैसे कहते हैं डीप ब्रेथ ले रही है, पहले वो बहुत जल्दी उनका हार्ट पंप हो रहा था, बट अब ऐसा नहीं है, अब शी इज टेकिंग डीप ब्रेथ, और हम जनरली बोलते हैं कि जब भी आपका हार्ट बीट तेज हो तो आप डीप ब्रेथ लो तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। इट डज नथिंग, आई कांट गेट माई माइंड क्लेवर, और वो अपने दिमाग को समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं अपने माइंड को जो और ज़्यादा आई कान गेट माई माइंड क्लियर, मतलब कि अब मैं रुको एक सेकेंड, इट डज नथिंग आई कान गेट माई माइंड क्लियर, मतलब अब उससे कुछ ऐसा होगा नहीं, और इसके लिए मैं जो अपना माइंड को जो वो क्लियर भी नहीं कर रही हूँ। आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग, अब मेरे उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, ओनली फियर, और अब क्या है उन्हें सिर्फ डर है, अब किस चीज़ का डर है, ओनली फियर। नाउ वन ऑफ देम कम्स टुवर्ड्स मी, और अब एक जो है उनकी तरफ आता है, और अब जो है अब इसमें एक पता एक चेंज और होगा, दैट इज कि नाउ वन ऑफ देम कम्स टुवर्ड्स मी अनदर सिट्स ऑन माय राइट, और अब हमारे को दिखाया गया कि एक पोजीशन फिर से चेंज हो रही है, दैट कि सब लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो थर्ड वन है वो लेफ्ट में है, सेकेंड वन जो है राइट में है, एक मतलब एक उसने पोजीशन ले रखी है टू गेट द वुमेन रेप्ड। आई सी द रेड ग्लो ऑफ द सिगरेट्स, और वो जो सिगरेट की जलने का वो होता है ना, जलने वाला एरिया रेड होता है, सो शी कैन सी इवन दैट ऑल्सो। दे आर ब्रीथिंग हैवीली, दे आर हॉरिबली क्लोज, मतलब कि वो एक तो ब्रीथ कर रहे बहुत ज़्यादा हैवीली, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, क्योंकि जब आप एक गहनी सांस लेते हो, क्योंकि जब आप सिगरेट वगैरह पी रहे हो और उस टाइम पे, तो यू आर ऑल्सो मेकिंग समथिंग प्लेजर ऑफ हैविंग सेक्स समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए वो शी इज गेटिंग ऑल्सो हॉरिबली क्लोज, मतलब कि वो ये भी बताती है कि वो लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं।
समथिंग्स अबाउट टू हैपन, आई सेंस इट, मतलब कि कुछ चीज़ें अभी होने वाली हैं और वो जो है वो इस चीज़ को सेंस कर लेती हैं। अब क्या सेंस कर लेती हैं, डैट इज आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड अनदर एंड अनदर, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको पता है बस एक चीज़ याद रखनी है कि द वूमेन वी डोंट नो कि हाँ हमें पता है कि शी इज गेटिंग रेप्ड, बट देर आर टाइम्स कि वो कुछ चीज़ों अलग चीज़ों को फोकस कर रही है एंड नॉट द मेन पॉइंट जो कि उन्हें मतलब नोटिस करना चाहिए। शी इज नॉट पॉइंट या फिर शी इज नॉट नोटिसिंग पर्टिकुलरली दैट थिंग्स। द वन हु इज होल्डिंग मी फ्रॉम बिहाइंड टेंसेस ऑल हिज मसल्स, आई कैन फील देम वेयर ही इज होल्डिंग मी, ही हैजंट टाइटन्ड हिज ग्रिप, ओनली टेंस्ड हिज मसल्स एज इफ गेटिंग रेडी टू होल्ड मी टाइटर। सो अब शी इज थिंकिंग इज कि वन ऑफ द मैन जो वो बिगिन कर रहे हैं उन्हें असॉल्ट करना, और जो प्रोटेगनिस्ट है ये मेरे को बताती हैं, द फर्स्ट वन हु मूव टूवर्ड्स मी गेटिंग टू डाउन बिटवीन माई लेग्स। तो अब मेरे को पता चल रहा है कि ही लाइक द पर्सन इज गेटिंग गोइंग टू रेप द वुमेन, एंड मेरे को एक पूरी पोजिशन बताई गई है इसमें। तो मैं ये कहती हूँ कि एक स्टोरी इज अ टाइप ऑफ ट्रामा, अगर आप पहली बार ही सुन रहे हो। अब मुझे मैंने इसको कम से कम 3 से 4 बार रीड कर लिया एंड देन आई एम एबल टू स्पीक अबाउट दिस स्टोरी। अगर मैंने पहली बार जब रीड किया था आई एम नॉट एबल टू इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड। सो दैट इज द थिंग कि आपको इस स्टोरी अगर आप पहली बार रीड कर रहे हो तो इतनी जल्दी समझ तो नहीं, मतलब समझ में नहीं कहूँगी समझ नहीं आएगी, बट द थिंग इज कि ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है ये। इट्स अ प्रिसाइज मूवमेंट, सो इट्स अ प्रिसाइज मूवमेंट कि एक प्रिसाइज मूवमेंट है, एंड द वन बिहाइंड मी सीम्स टू एक्सपेक्ट इट, और जो एक जो उस जो पीछे है मतलब जो मेरे पीछे बैठा है और वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ही कैन इवन गेट द चांस टू रेप हर बिकॉज ही इमिडिएटली हुक्स हिज लेग्स ओवर माइन टू कीप देम अपार्ट, ताकि वो मेरे से अलग मतलब मेरे पैरों को अपार्ट रख सके। सो ही इज ऑल्सो मेकिंग सेवरल ताकि उस मतलब कैसे कम सेवरल चीज़ें वो अटेम्प्ट करें ताकि वो मेरे पैरों को जो है अपार्ट कर सके, एंड ताकि जो अदर पर्सन है ही कैन टेक प्लेजर ऑफ मी। और अब होता है आई हैव गॉट ट्राउजर्स ऑन, व्हाई आर यू स्प्रेडिंग माय लेग्स विद माय ट्राउजर्स ऑन, मतलब कि कोई रेप कैसे कर सकता है व्हेन आई एम इवन वेयरिंग द ट्राउजर, आई फील वर्स देन आई वाज इफ आई वाज नेकेड, एंड हियर वी शो ऑन इज कि वो कहती है कि अगर मैं नेकेड होती तो आई कैन फील मतलब वो आई एम गेटिंग रेप्ड, बट अब तो मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है व्हेन माय ट्राउजर्स आर ऑन, तो वो कैसे मतलब रेप कर सकते हैं, इट इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आई कैन से। माई माइंड टेकन ऑफ दिस फीलिंग बाय समथिंग विच एट फर्स्ट आई डोंट नो वट इट इज अ बर्निंग सेंसेशन, और अब उनको एक बर्निंग सेंसेशन लगती है दैट इज ऑफ सिगरेट, स्लाइट एट फर्स्ट मतलब पहले तो थोड़ी थी, देन शार्पर एंड फाइनली अनबियरेबल ऑन माई लेफ्ट ब्रेस्ट। सो उनके लेफ्ट ब्रेस्ट पर जो है बहुत ज्यादा उन्हें एक सेंसेशन फील होती है, एक बर्निंग पियर्सिंग पेन उनको फील होता है एंड दैट इज ऑफ सिगरेट्स, मतलब जो सिगरेट्स वो पी रहे थे तो उसी को मतलब वो जो है उसके ब्रेस्ट पे टच कर देते हैं। अगेंस्ट माई स्वेटर बर्निंग थ्रू ऑन टू माई स्किन, मतलब कि अब उनकी वो स्किन भी जल रही थी, मतलब वो स्वेटर से उनके स्किन तक वो सिगरेट का पूरा पहुंच चुका था। आई फाइंड माई सेल्फ वंडरिंग वट यू आर सपोज टू डू इन अ सिचुएशन लाइक दिस, मतलब कि अब तो मेरे साथ और क्या करोगे, लाइक सिगरेट का तो मेरे साथ क्या करोगे, आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग नॉट इवन क्राइंग और सेइंग एनीथिंग, तो मतलब अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, आई कांट इवन cry, I can't even do anything, और या फिर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। आई फील एज इफ आई एम आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप से अलग हो चुकी हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा हम घर से बाहर निकल चुकी है, कि अब मैं कुछ सोचने लायक भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ छील भी नहीं सकती, कुछ नहीं। स्टैंडिंग एट अ विंडो बींग फोर्स टू वॉच समथिंग हॉरिबल, कि मतलब मैं एक ऐसी विंडो के पास खड़ी हूँ जो कि मुझे एक ऐसा नज़ारा देखना है जिसको मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मुझे वो नज़ारा देखना पड़ेगा। The one on my lap, the one on my right light, one of my right lights, the cigarette takes two down, two, one second. The one on my right lights the cigarette, takes two draws and then passes them to the one between my legs. मतलब कि वो आपस में सिगरेट्स को शेयर कर रहे हैं। वन आफ्टर अनदर द स्मेल ऑफ बर्निंग वूल मस्ट बी इरिटेटिंग देम, क्योंकि जो मैंने उन्होंने बर्न किया था उनका वूल उनका स्वेटर, तो उसकी उनको स्मेल भी इरिटेट करी होगी। दे हैव गॉट अ रेजर, अब उनके पास रेजर भी है ताकि वो उसके क्लोथ वगैरह को ताकि उसके स्वेटर को लेंथ वेस्ट को कट कर सके डाउन द फ्रंट। दे कट माई ब्रा टू, द ब्लेड लीव्स अ रेजर गैश अक्रॉस माई चेस्ट, और अब क्योंकि वो ब्लेड था तो उनके चेस्ट पे भी एक कट लग गया है। एंड 8 inch gash, मतलब आपको लगेगा मे बी या एक बहुत ही बड़ा कट था, और वो एक मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है, जिससे वो क्या दिखाती है कि हो सकता है लोगों को मेरे ऊपर बिलीव ना हो, इसलिए आई एम शोइंग इस एक मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट पे तो लोगों को बिलीव हो गई कि लोगों को अब लगेगा कि 8 inches gash जो मतलब 8 inches का कट जो है मेरे चेस्ट के पास आया है। द वन बिटवीन माई लेग्स, द वन हु इज नीलिंग ग्रैब्स माई ब्रेस्ट
with both hands. I feel the cold of him against my buns. तो अब एक फील दिखाया जा रहा है उनका. Now they undo the zip on my trousers and they pull at my clothes. Only one shoe, only one trouser leg, only the one holding me from behind is getting excited. I can feel him rubbing up against me. So हमारे को इसमें दिखाया जा रहा है कि how they are taking her, taking pleasures of her and कि वो कैसे उनके कपड़ों को maybe हम कह सकते हैं हटा रहे हैं और how they are pulling her clothes. उन्होंने अब एक ही पैरों में शूज़ पहन रखे हैं क्योंकि उन्होंने जब जो भी उनके ट्राउजर्स हटाए होंगे तो एक शूज़ निकाला होगा, एक ट्राउजर के ऊपर पीस निकाल, एक पैर का वो निकाला होगा ट्राउजर, ताकि क्योंकि दूसरे ट्राउजर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसलिए. सो शी इज जस्ट शोइंग अस कि हाउ दे आर टेकिंग हर प्लेजर्स. नाउ द वन बिटवीन माई लेग्स पुशेज हिमसेल्फ इन टू मी. सो नाउ द प्लेजर इज गोइंग ऑन ऑफ द मैन एंड शी इज गेटिंग रेप्ड. आई वॉन्ट टू बी सिक, आई मस्ट कीप calm. Move, Mitch. Fuck me. I try to fix my mind on the words of the song. My heart is bursting inside me. I don't want to know what is happening. I want to stay in the confusion I'm in. I don't understand language. Words mean nothing to me. So now we are shown ki matlab she is very much tensed. Ab wo kuch bhi samajhna nahi chahti hai because she is getting raped. Aur ab unko bas ye hai कि मुझे या तो इस पोजीशन से हटा दिया जाए या फिर मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती और मैं अपनी कंफ्यूजन में ही रहना चाहती हूँ. अनदर सिगरेट. मूव विच आई एम एज इफ टर्न टू स्टोन. और अब उन्होंने को दिखाया कि शी इज गेटिंग टर्निंग इनटू स्टोन, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड शी इज नॉट इवन एबल टू रेजिस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद हर. नाउ द नेक्स्ट वन पुशेस इनटू मी, मतलब अब एक ने प्लेजर लिया, सेकेंड वन इज कमिंग. ही ट्राइज हार्डर इनसाइड मी देन द फर्स्ट वन. And she shows कि second वाला जो था वो ज़्यादा hard था. I feel a deep pain. Move, bitch. The razor that they used to cut my sweaters slashes across my face. और वो जो razor था वो उनके face पे लग जा रहा है. I can't feel whether it's cut me or not. और वो feel भी नहीं कर पा रही कि उनको cut लगा है कि नहीं लगा. Move, bitch. Fuck me. Blood is running down my ears from my cheeks. अब उनके कानों से भी खून आ रहा है, उनके cheeks से भी खून आ रहा है. And that means कि उनको cut इतने सारे लग गए हैं. Now it's the third one's turn. अब क्योंकि मैंने हमने जैसे देखा था कि एक ने पीछे पकड़ रखा था एंड बाकी द थ्री वन वर द वन हु वर डूइंग हर रेप. सो अब थर्ड वन की बारी है. इट्स सो हॉरिबल टू फील दीज एनिमल्स गेटिंग प्लेजर इनसाइड यू. एंड ये जनरली फील होता है व्हेन यू आर गेटिंग रेप्ड. और जब क्योंकि मैंने शी इज द वन शी इज गेटिंग रेप्ड एंड शी कैन फील मच एंड हम उसके बारे में जस्ट एक बात कर रहे हैं. सो I sometimes feel कि it is not even good कि आप किसी particular इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. But when I see कि इस particular topic पे ज़्यादा videos नहीं है YouTube पे and I just feel कि लोगों को या फिर जो बच्चे हैं जो तैयारी करें exams के लिए उनके पास कुछ material होना चाहिए to at least study और ताकि वो एक analysis तो उनको पता चल सके कि what is the story mean और उनको कैसे कैसे हम different perspective से देख सकते हैं. I managed to get out a couple of words. I am dying. I have got a heart condition. और अब अपने मुँह से कुछ आवाज़ निकालनी है. I am dying. मैं मरने वाली हूँ. I have got a heart condition. They believe me. They don't believe me. उनको लगता है कि पता नहीं वो believe कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. They start arguing. Let's get rid of her. No. Yes. मतलब कुछ कह रहे कि चलो अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ कह रहे नहीं अभी नहीं छोड़ते हैं. Someone hit someone. They crush a lighted cigarette onto my neck. अब वो उस neck पे भी मतलब उसकी cigarette touch कर देते हैं. Just so as to stub it up. ताकि वो उसको बंद कर सके, मतलब सिगरेट को बंद करने के लिए उसके गर्दन पे ऐसे करते हैं. एट दैट पॉइंट आई थिंक आई फाइनली फेंटेड, कि मतलब वो पूरी बेहोश हो सकते हैं, हो चुके हैं ऐसे लगा. आई फील देम मूविंग मी. द वन हु वाज होल्डिंग मी फ्रॉम बिसाइड ग्रेसेस मी. अब वो क्योंकि उसका वो नहीं था कि ही वॉज नॉट गोइंग टू रेप हर. विद प्रिसाइज मूवमेंट्स एंड विद नो एम्बेरसमेंट ही हैज टू ड्रेस मी एंड नो यूज ऑफ एनीथिंग, क्योंकि अब मैं किसी यूज की नहीं हूँ. ही इज द ओनली वन हु इज नॉट गॉट अंडर ड्रेस्ड अनड्रेस्ड, मतलब कि वो ही एक इकलौता ऐसा है जिसने अपने कपड़े मे बी नहीं रिमूव किए. आई मीन हुज नॉट हैड हिज ट्राउजर्स ओपन, मतलब जिसने अपने ट्राउजर्स ओपन नहीं किए. ही इज एजी एंड इरिटेटेड दैट ही इज नॉट स्ट्यूड, मतलब कि उसको ये ऑप्शन नहीं मिला टू टेकिंग प्लेजर ऑफ हर. ही इज कंप्लेनिंग लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, कि उसको ये चांस नहीं मिला. बट आई कैन फील दैट ही इज इन अ हरी. ही इज स्केयर्ड, बट वो डरा हुआ भी है इस चीज़ के लिए. He doesn't know what to do with my torn sweaters. तो उसको नहीं पता sweaters के साथ उसे क्या करना है. So वो tuck कर देता है the two ends into my trousers. The van stops
फॉर जस्ट लॉन्ग इनफ टू लेट मी गो गेट आउट. मतलब वो फिर उसको निकाल देते वहाँ से एंड देन वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से वैन को चले जाते हैं. आई एम स्टैंडिंग इन अ रोड और वो अब इस समय रोड पर खड़ी हैं. विद माई राइट हैंड आई होल्ड माई जैकेट शर्ट ओवर माई बेयर ब्रेस्ट. अब वो मतलब अपने आपको जैसे कहते हैं बॉडी को कवर करनी है और वो पूरे एक अंधेरे का टाइम है. वेयर एम आई? ट्रीज, ग्रास, आई एम इन द पार्क. और उनको ऐसा लगता है कि शी इज इन अ पार्क. आई फील सिक. अब वो उनके वर्ड्स बताए कि हाउ शी इज फीलिंग. आई फील सिक इन द सेंस दैट आई फील आई एम अबाउट टू फेंट. कि अब उनको लगता है वो बेहोश होने वाली बिकॉज शी इज सिक. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल पेन इन माई बॉडी बट ऑल्सो आउट ऑफ डिस्कस्ट. क्योंकि फिजिकल तो नहीं होता चीज़ें, मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें होती है. बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलेशंस, बिकॉज उन्होंने मेंटली बहुत ज़्यादा सफर किया. बिकॉज शी डोंट वॉन्ट टू वॉच समथिंग विच शी वॉज फोर्स टू वॉच. बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट समवन स्पैट इन टू माई ब्रेन अ मिलियन टाइम्स. कि मतलब किसी ने कहते ना स्पैट इज लाइक आई थिंक दैट इज कि किसी ने बहुत ही बुरी चीज़ करी है मेरे दिमाग के साथ. एंड बिकॉज ऑफ द स्पर्म दैट आई फील स्पिलिंग आउट ऑफ मी. आई रेस्ट माई हेड अगेंस्ट अ ट्री. इवन माई हेयर हर्ट्स. और मेरे बाल में मुझे दर्द कर रहे हैं. ओ येस दे वर पुलिंग माई हेयर टू स्टॉप मी मूविंग माई हेड. तो वो क्योंकि उनको बाल को पकड़ कर तो उन्होंने और खींच रहे थे ताकि वो उनके अपने हेड को ना हिलाए. आई रन माई हैंड ओवर माई फेस. और जब वो अपने हाथों को मतलब अपने फेस पर लगाती हैं और उनका पूरा हाथ जो है वो ब्लड से कवर हो जाता है. आई टर्न अप माई जैकेट कॉलर. आई वॉक आई वॉन्डर एमलेसली. मतलब वो इधर उधर टहलती मतलब टहलती तो नहीं गई हैं, वो इधर उधर जा रही हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही हैं. ऑलमोस्ट विदाउट नोटिसिंग इट आई फाइंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस स्टेशन. तो वो अपने को देख लेती है पुलिस स्टेशन के सामने. आई लीन अगेंस्ट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग अपोजिट. आई स्टेयर अक्रॉस एट इट फॉर अ गुड वाइल. मतलब कुछ टाइम के लिए उसको देखती है वहाँ पे, थोड़ी देर खड़ी होती है और वहाँ पे देखती है उस बिल्डिंग को, पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को हम कह सकते हैं. आई थिंक ऑफ व्हाट आई वुड हैव टू फेस इफ आई वेंट इन. कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में गई तो मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या वो मुझसे कहेंगे, आई डोंट नो. और मुझे क्या फेस करना पड़ेगा. आई कैन हियर देयर क्वेश्चंस. मुझे उनके क्वेश्चन सुने दे रहे हैं. आई कैन सी देयर फेसेस. आई कैन सी देम लाफिंग. आई थिंक फॉर अ मोमेंट और टू देन आई डिसाइड. कि मैं कुछ टाइम के लिए सोचती हूँ और फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ. आई एम गोइंग होम. कि मैं अपने घर जा रही हूँ. आई विल रिपोर्ट इट टुमारो. एंड थिंक कि जो मोस्टली वुमेंस करती है दैट दे विल रिपोर्ट इट टुमारो. और वो कल के ऊपर बात डाल के शी दे लेफ्ट द थिंग. और वो रिपोर्ट नहीं करवाती हैं. ब्लैक आउट एंड्स. एंड विद दिस वी एंडिंग दिस स्टोरी हेयर ओनली. वी एंडिंग दिस टेक्स्ट हेयर ओनली. सो एक लास्ट में मैं आपको पता नॉर्मल बताऊँ कि इस पूरे स्टोरी में क्या हुआ ये आपको पता चल गया. और ये ट्रॉमेटाइजिंग है स्टोरी. बट मैं आपको ये बोलूँगी कि मैंने जैसे आपको बोला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है. इवन इट टेक्स मी कि मैं कैसे इस वीडियो को बनाऊँ. मैंने इस वीडियो को अराउंड 5 दिन पहले बनाने का सोचा हुआ था बट तब से आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग कि मुझे इस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे डीपली इसके एनालिसिस प्रोवाइड करने हैं. सो ये जो पैसेज है ये एक पावरफुल डिपिक्शन है ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा ऑफ रेप एंड द विक्टिम्स फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड शेम. इट हाईलाइट्स द ब्रूटल एंड डीह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ सेक्शुअल वायलेंस एंड द नीड फॉर बेटर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवर्स. एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना. कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स पे तो पूछ ही सकते हैं. एंड स्टिल आई विल से कि अगर चाहो तो इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना. कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स पे जब भी आप पूछोगे सो डू लेट मी नो कि और किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना. आई विल कम अप विद द सेम. सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.